हे गाइस, लेट्स मेक दिस अमेजिंग केसर राइस पुडिंग। उसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर के अंदर हम लोग लेंगे चावल और चावल को पीस लेंगे। बहुत फाइन नहीं पीसना, सिर्फ दरदरा। वंस दिस इज डन, अब एक कढ़ाई के अंदर लेंगे दूध और इसके अंदर लेंगे इलायची। मैंने यहाँ इलायची कूट कर ली है, आप इलायची का पल्प या एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हो। अब इसमें लेंगे कुटे हुए चावल और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। एक बार ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसमें लेंगे चीनी। चीनी की जगह आप शहद भी ले सकते हो, देसी खांड भी ले सकते हो, गुड़ भी ले सकते हो। और इसमें मैंने लिया है केसर का पल्प, उसकी जगह आप सिंपल केसर भी ले सकते हो। मैंने ठंडा किया है इसको और इसके अंदर मैंने लिया है बनाना। ट्रस्ट मी गाइस, बनाना इसमें बहुत ही मजेदार लग रहा था। ठंडा करने के बाद इसे मैंने लिया है सर्विंग ग्लासेस के अंदर। 2 घंटे चिल करने के बाद मैंने इसको गार्निश किया है पोमोग्रेनेट, पिस्ता और ड्राई रोज पेटल के साथ। गार्निश करने के बाद मैंने फिर से इसे आधे घंटे के लिए चिल किया था।